आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश में इंटरव्यू देना कर देने वाली हूँ, बहुत ही आसान। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हमेशा की तरह लाई हूँ एक इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जिसमें आपको जगह जगह अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पे तमाम के तमाम इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश में इंटरव्यू देना कर देने वाली हूँ, बहुत ही आसान। आगे बढ़ने से पहले और कुछ नहीं, जस्ट एक छोटी सी फरमाइश है कि आप जस्ट नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो कि है इंटरव्यू से रिलेटेड। तो इंटरव्यू में तमाम के तमाम क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके रिलेटेड होते हैं, आपके स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपकी एक्सपीरियंस और तमाम की तमाम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड। लेकिन इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चंस को घुमा के आपकी तरफ यूं पेश करता है कि आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आप पहले से प्रिपेयर नहीं होते तो आपके लिए इंटरव्यू में जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, और इसी तरह स्ट्रेंथ के बारे में, आपकी वीकनेसेस के बारे में, इस तरह के तमाम क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली डिफाइन करने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है उसे हम कहते हैं इंटरव्यूअर, और जो कि इंटरव्यू दे रहा होता है यानी कि आप, तो उसे कहते हैं इंटरव्यूई। तो आप सबसे पहले ऑफिस का दरवाजा खटखटाएंगे और कहेंगे, मे आई कम इन मैम, आपको उसके जवाब में मिलेगा यस प्लीज कम, प्लीज डू, या यस प्लीज। उसके बाद आपको शुक्रिया और थैंक यू जैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करके अपनी सीट पे बैठना है और आगे बढ़ना है, और नॉर्मल ग्रीटिंग से आगाज होगा गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मैम। दिन के किसी भी वक्त के हिसाब से ही आपको ग्रीटिंग्स करनी है। जवाब में आपको भी ग्रीटिंग्स मिलेंगी और साथ ही आपको बैठने को कहा जाएगा, प्लीज बी सीटेड कहकर आपको बैठने को कहा जाएगा, और साथ ही आप थैंक यू कहकर अपनी सीट पर मुतमईन होकर बैठेंगे। थैंक यू। उसके बाद आपका हाल अहवाल पूछा जाएगा, और हाल अहवाल के दौरान ही आपकी कम्युनिकेशन और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखने की कोशिश की जाएगी। हाउ डू यू डू, हाउ आर यू, और डिफरेंट वेज में आपसे क्वेश्चन करके वहीं पे आपको जज किया जा सकता है। उसके जवाब में आपको बेहतरीन और स्माइल रखकर जवाब देना है। I'm doing well. हाल चाल के हवाले से और भी बेहतरीन सेंटेंसेस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। सो सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। इसमें जस्ट सिंपली आपको अपनी क्वालिफिकेशन और अपना नाम बताना होता है। वेल आई एम वजीहा, आई एम कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स। बी श्योर कि आपको अपना नाम बताते वक्त माईसेल्फ और दिस इज का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्मल जगहों पर अपना इंट्रोडक्शन करवाने का बिल्कुल गलत तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सो यू आर अ फ्रेशर नाउ, कि तो आपका तजुर्बा नहीं है। इसी तरह से किसी और तरीके से ही पूछा जा सकता है, सो यू हैव नो वर्किंग एक्सपीरियंस। तो इसके जवाब में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप कहेंगे, नो एक्चुअली आई एम वर्किंग एज एन अकाउंटेंट एट स्पिरिट कंपनी एज अ पार्ट टाइम अकाउंटेंट फ्रॉम 2 years, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू नीड दिस जॉब, यू मे सिंपली से आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय करंट जॉब, बट नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ मोर प्रोडक्टिव रोल सो आई कैन बी एबल टू ग्रो इन अ टर्म्स ऑफ फ्यूचर एंड ग्रो। नेक्स्ट मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस पोजीशन। लास्ट मंथ आई वॉज इन अ जॉब फेयर एंड माई प्रोफेसर रिकमेंडेड मी टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो आपको जिस रिसोर्स से भी उस जॉब के बारे में मालूमात हासिल हुई आपको वो बताना है। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू यू वांट टू वर्क हियर, आपने लॉजिक्स और रीजंस के साथ इस क्वेश्चन का जवाब देना है जो कंपनी के लिए बेहतर हो। योर कंपनी इमेज अट्रैक्ट्स मी अ लॉट, दिस कंपनी एनकरेज द इंटरनल प्रमोशन सो दिस कैन बी अ बेस्ट फॉर माय फ्यूचर गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो सकता है, व्हाई डिड यू डिसाइड टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन। This position offers the most challenging task in the company, so it can be the best opportunity for me. अगर आप challenges को बहुत पसंद करते हैं और इन्हें accept करते हैं, तो ये line आपके लिए बहुत best है। अब बारी आती है एक बहुत ही important question की, जो कि है, What is your greatest strength? तो अपनी strength को discover कर दीजिए। तो
हिसाब से एक बहुत ही सिंपल आंसर जो आप दे सकते हैं। माई स्ट्रेंथ इज पंचुअलिटी एंड आई लाइक टू मैनेज माई वर्क लोड एज पर गिवन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? तो आपको अपनी कोई ऐसी वीकनेस बतानी है जो कंपनी के लिए बिल्कुल नुकसान देना हो। वेल, माई बिगेस्ट वीकनेस इज दैट आई एम अ कंपेटिटिव पर्सन एंड समटाइम आई वर्क टू हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन? तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो मेक श्योर कर लें कि आप जिस कंपनी के बारे में या जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जरूर कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? तो बेसिकली ऐसी क्वेश्चंस आपके सेल्फ इस्टीम को जानने के लिए कि आपको खुद पर कितना ट्रस्ट है ये जानने के लिए किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्फिडेंस लेवल का पता चले। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसका जवाब देना है। Currently, I am seeing as an accountant job at factory level, but I am seeing myself being promoted as head of account in head office. Next question is, why did you decide to leave your previous or current job? My previous job was at Maximum, so there was nothing new to learn and grow. So I was waiting to the right opportunity. Next one is, how do you feel about your working weekends and late hours? While working on deadline, overtime is common, so no grudge on this. Question is, how do you deal with pressure and stressful situation? Pressure is the thing, but a challenge in my view. If we are open to learn new thing, it is easy to digest pressure and always set new goals and accept the challenge with love. ये भी question हो सकता है आपसे कि do you feel any difference between the hard work and smart work? Yes, I think a lot of difference. Hard work is not efficient, but smart work is efficient and effective. So, इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है, what are your salary expectations? My salary expectations are in line with the current industry standard, according to my qualification and skills. और अगर salary mention नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं, like to know the budget the company has set for this position. तो ये थे वो तमाम के तमाम इंटरव्यू के रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके बहुत ही सिंपल आंसर जो हम सभी अपने इंटरव्यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन इंटरव्यूज के क्वेश्चन